हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं बजाज होल्डिंग्स के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 22 सितंबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा अपने चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स ही दे दी। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे, वहां से जो है अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले बजाज होल्डिंग्स में आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन जो है बजाज होल्डिंग्स में 4.44% के जो है पॉजिटिव पे यहाँ पे क्लोजिंग देखने मिली है और साथ ही साथ यहाँ पे जो क्लोजिंग जो है वो भी बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे 4681.85 पे यहाँ पे जो आपको क्लोजिंग देखने मिली है 198.95 पॉइंट का जो है यहाँ पे आज के दिन जो है बड़ा मूवमेंट देखने मिला है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो अपसाइड मूवमेंट आने वाला है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो है क्या आपको जो है कल के लिए सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो है इस स्टॉक में बनने वाला है और एंड में हमारा क्या ओपिनियन है आने वाले दिनों के लिए और साथ ही साथ यहाँ पे खास करके कल के लिए यहाँ पे जो क्या इसमें जो है एनालाइज हमारा बनता है और एंड में हमारा क्या ओपिनियन, क्या ये अपसाइड जाएगा या फिर डाउन साइड जाएगा ऑन द फेस ऑफ इट। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अपना वन डे का चार्ट। तो यहाँ पे अगर मैं वन डे के चार्ट की बात करूँ तो यहाँ पे फिलहाल वन डे का चार्ट जो हमारा एक एवरेज से ज़्यादा जो है वॉल्यूम आपको देखने मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम जो है यहाँ पे इवन तो इतना भी मैं कहूँगा कि ज़्यादा नहीं है। पिछले दो दिन से आप देख सकते हैं पिछले दो दिन से जो है ये स्टॉक का जो है वॉल्यूम आपको गिरते हुए देखने मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरी डे ये स्टॉक में जो है वॉल्यूम गिरते हुए देखने मिल रहा है। इवन तो यहाँ पे जो है क्लोजिंग जो है तीनों दिन की जो है पॉजिटिव रही तो भी यहाँ पे फिलहाल जो है आज के दिन वॉल्यूम अगर पिछले दो दिन का मैं गिनूँ तो यहाँ पे कम है, लेकिन यहाँ पे कैंडल जो बनी है वो बहुत ही बड़ी बनी है। ये पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ पे जो है बाइंग जो अगर मैं कहूँ यहाँ पे बाइंग जो है एंड मोमेंट में जो अच्छी खासी आई, मतलब ओपनिंग जो है इसकी जो है वो डाउन साइड मतलब नेगेटिव हुई थी, लेकिन यहाँ पे उसके बाद जो है बाइंग प्रेशर अच्छा खासा आया और यहाँ पे एक बड़ा मोमेंट दिया। ये एक्चुअली आज के दिन जो है कुछ निफ्टी फिफ्टी में भी ऐसा ही कुछ हुआ। यहाँ पे ओपनिंग जो है डाउन साइड रही, लेकिन उसके बाद अचानक जो है सेकेंड हाफ में जो है यानी कि मैं कहूँ पहले ही दो आवर्स में जो है उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा खासा बढ़ते हुए देखने मिला और यहाँ पे बजाज होल्डिंग्स भी जो है कुछ इसी तरह से आज के दिन हमें देखने मिला है। तो फिलहाल यहाँ पे अगर मैं आरएसआई की बात करूँ तो आरएसआई जो 80-81 के आसपास जो आ चुका है, जो यहाँ पे फिलहाल जो है हमें एक कंसोलिडेशन का जो है एक मतलब डाउन साइड का एक इशारा देता है। इवन तो हम हमेशा कहते हैं कि यहाँ पे हम इंडिकेटर्स पे जो है पूरा भरोसा नहीं कर सकते। इंडिकेटर्स जो हमेशा सिर्फ और सिर्फ इंडिकेट करने के लिए होते हैं, यहाँ पे जो हम उसके ऊपर पूरा का पूरा जो है डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपने जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा ले और ऑल नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कर ले, क्योंकि यहाँ पे जो हम आप सभी के लिए एवरी डे यहाँ पे जो है फोर स्टॉक्स के जो एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे आप सभी के लिए नेक्स्ट डे और साथ ही आने वाले दिनों में उस स्टॉक में क्या होने वाला है उसका जो है थोड़ा सा आपको हिंट देते हैं और साथ ही साथ रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन जो है आपका क्या रहता है उस स्टॉक के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टॉक के लिए, उसको भी जो आपको मार्क करके बताते हैं जो आप अपने एनालाइज या फिर ट्रेडिंग के टाइम पे जो है यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें हमारा क्या जो है बनता है कल के लिए वन आर के चार्ट में हमारे रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन। ये आप देख सकते हैं हमने ऑलरेडी पिछली बार जो है जब इस स्टॉक का जो एनालाइज लाया था तो यहाँ पे हमने जो मार्क करके बताया था और यहाँ पे आप देख सकते कैसे इस स्टॉक ने जो है उसका जो रेजिस्टेंस जोन है उसको तोड़कर यहाँ पे एक बड़ा मूवमेंट दिया था। ये एक ही कंसोलिडेशन एरिया पे कब से चल रहा था, तो यहाँ पे एक बड़ा मूवमेंट आना कभी भी तय था। मैंने जो है अपने एनालाइज में भी कहा था, अगर आपने वो इस स्टॉक का जो है लास्ट टाइम का एनालाइज नहीं देखा है मैं कहूँगा अभी के अभी जो है हमारे चैनल को जो है चैनल पे जाइए और हमारे इस बजाज होल्डिंग्स का जो पुराने वीडियो को जो है उसको ओपन करके ज़रूर देखें, क्योंकि हमने यहाँ पे कंसोलिडेटेड एरिया में जो कहा था कब से घूम रहा है, तो जहाँ पे बड़ा मोमेंट आ सकता है। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं बड़ा मोमेंट आया था, उसके बाद यहाँ पे डाउन साइड आया, फिर वापस से एक बड़ा मोमेंट आया यहाँ पे, इसलिए तीन दिन से जो है पॉजिटिव ये स्टॉक रहा है। लेकिन कल के लिए खास करके यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस जोन बन रहा है उसको मैं थोड़ा सा आपको मार्क करके बता देता हूँ और यहाँ पे जो है फिलहाल मैं आपको रेजिस्टेंस जोन दो दो सबका जो है आपको मार्क करके बताता हूँ एवरी डे। तो यहाँ पे जो है फिलहाल मैं बात करूँ रेजिस्टेंस जोन की एज सच, तो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस जोन जो है वो है 4735, उसके ऊपर जो है 4814, बाकी यहाँ पे उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस आता है तीसरे के लिए अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे उसका 52 वीक हाई जो है
वो एक रेजिस्टेंस का काम करता है। याद रखें, मैंने हमेशा कहा, जब भी कोई स्टॉक जो है 52 वीक हाई अपना नया बनाए या फिर क्रॉस करे और उसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दे, जो 52 वीक हाई जो है वही उसका एक रेजिस्टेंस भी बन जाता है। इवन तो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस आते हैं, 4735 का और दूसरा है 4814 का। फिलहाल यहाँ पे जो इसने क्लोजिंग जो दी है वो दी है अपने रेजिस्टेंस के नीचे, मतलब यहाँ पे 4681 के यहाँ पे आसपास जो इसने क्लोजिंग दी है। बाकी यहाँ पे डाउन साइड के लिए एक सपोर्ट आता है इसका, वो है 4571 का, और उसके नीचे आता है 4483 का। तो अगर मैं कहूँ ऑन द फेस ऑफ इट कल के लिए मेरा ओपिनियन क्या है इस स्टॉक में, तो यहाँ पे फिलहाल जो है इस स्टॉक में मेरा जो है एक नेगेटिव ओपिनियन है। इसका मतलब यहाँ पे इस स्टॉक, ये स्टॉक जो है इस रेंज में, मतलब 4575 से लेकर 4483 के बीच में, यहाँ पे मुझे लग रहा है कल के दिन क्लोजिंग आपको देखने मिल सकती है। बाकी यहाँ पे जो है ओपनिंग अगर अच्छी हुई, ओपनिंग अगर जो है 4732 से लेकर 4814 के बीच में हुई, यहाँ पे मुझे लग रहा है ओपनिंग जो है 4814 तक जरूर आ सकती है। लेकिन यहाँ पे जो है मेरी गट फीलिंग ऐसी है कि यहाँ पे जो है डाउन साइड का मोमेंट बड़ा मुझे देखने लग रहा है, कल के दिन मिल सकता है 4575 से लेकर 4483 का। बाकी यहाँ पे आपका क्या ओपिनियन है मुझे जरूर कमेंट में बताना। बाकी यहाँ पे जो है इसका जो है ओपनिंग सॉरी ओपनिंग जो है आपका बहुत ही ज्यादा क्रूशल होने वाला है। 4735 का जो है ओपनिंग के ऊपर जो है अगर मिला 5 मिनट के चार्ट में, अगर है यहाँ पे आपको तीन कंफर्मेशन कैंडल, मतलब तीन ग्रीन कैंडल आपको देखने मिल गए, तो यहाँ पे ये स्टॉक जो है अपसाइड का मोमेंट दे सकता है। लेकिन आपको कंफर्मेशन कैंडल का जरूर वेट करना चाहिए, क्योंकि वही एक जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको ट्रेड करने के टाइम पे। तो यहाँ पे मेरा ओपिनियन है डाउन साइड का। आपका क्या ओपिनियन है मुझे जरूर कमेंट में करके बताना। और यहाँ पे अगर जो है आपको कभी भी ट्रेड लेना है, तो मैंने कहा 4735 के ऊपर अगर यहाँ पे आपको तीन ग्रीन कैंडल दिख रही है 5 मिनट के या फिर 15 मिनट के चार्ट में, तो आप जरूर अपसाइड के लिए जा सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो अगर आपको डाउन साइड देखने मिला, ओपनिंग ही अगर डाउन साइड देखने मिली, तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि आप जो है इजिली यहाँ पे डाउन साइड के लिए एक जो है ट्रेड ले सकते हैं 4483 के ऊपर, मतलब 4500 अगर मैं कहूँ साइकोलॉजिकल नंबर एक है, तो यहाँ तक जो है ये स्टॉक जो है आपको इजिली यहाँ पे एक टारगेट दे सकता है शॉर्टिंग के लिए। अपसाइड के लिए जो है अगर 4814 तक यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस आता है, उसके ऊपर यहाँ पे जो थोड़ा सा जो है एक सिचुएशन जो है थोड़ा सा वॉलेटाइल हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे मैं कह नहीं सकता हूँ कि 4814 से, लेकिन मैं 4814 जो है जरूर आपका एक टारगेट बन सकता है। यहाँ पे अपसाइड का मोमेंट बहुत ही कम चांस है, यहाँ पे हाई चांस है डाउन साइड का, वही इसलिए कि इसकी वजह से जो है मेरा जो ओपिनियन है वो है डाउन साइड का। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।